नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फेस हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बेरोजगारों के दर्द के बारे में बात करेंगे, क्या हो उनके इस दर्द का सॉल्यूशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी को दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो आज लोगों को अपनाने की जरूरत है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगी। साथ ही मैं चर्चा करूंगी एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है मनोज रे, और ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चूंकि हम दोनों धनबाद से हैं तो उनकी तरक्की का जो बिगुल बज रहा है उसका शोर मेरे कानों तक भी आया, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में मेरे वीडियो में भी मुझे चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है बेरोजगारी का मनोज रे से कनेक्शन। कोरोना के बाद से हजारों लोगों को मैंने देखा जिनका करियर बर्बाद हो गया है, जिनका बिजनेस बंद हो गया है, जिनकी नौकरी छूट गई है, जो जहां काम करते थे वहां से वापस यहां पे आ गए हैं। बहुत खराब स्थिति है। जब उन लोगों से बात करती हूं तो मतलब समझ में नहीं आता कि उनकी हेल्प कैसे की जाए। मैं उनको साइकोलॉजिकली हेल्प कर सकती हूँ, मैं उनके डिप्रेशन एंग्जाइटी पे काम कर सकती हूँ, पर उनको रोजगार कैसे दिया जाए। बहुत दुखद स्थिति है उन लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, और आज के समय में पैसे के बिना जीवन जीना नामुमकिन है। लगभग आप बिना पैसे के खड़े होने के लायक नहीं होते समाज में, और ऐसी स्थिति में कोरोना ने एक ऐसी मार दी है जो एक भीड़ बढ़ गई है मार्केट में। बेरोजगारी तो भारत की पहले से ही समस्या रही है, लेकिन आज एक स्किल्ड बेरोजगारी की समस्या भी आ गई है। समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये स्किल्ड बेरोजगारी जो पहले से बेरोजगार लोगों को और भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। लेकिन स्थिति पहले से भी बदतर इसलिए हो गई है क्योंकि आज के समय में मार्केट में आपको एक्सपीरियंस्ड बेरोजगार मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब जॉब देने की बारी आएगी तो किसी भी फ्रेशर के बजाय एक्सपीरियंस्ड को पहले जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग पहले से बेरोजगार थे उनके लिए स्थिति और भी दर्दनाक हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी डायनेमिक है, जो थोड़ा सा अपने थिंकिंग को चेंज करता है, आगे की सोचता है, अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। पर जो लोग स्टैटिक पर्सनालिटी के हैं, जिनको बस एक खास तरीके का ट्रेडिशनल जॉब चाहिए, जो ऑफिस में काम ढूंढ रहे हैं, जो किसी तरीके का आउटसोर्स काम ढूंढ रहे हैं, जो इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि ये जो बेरोजगार युवा है वो ये भी नहीं समझ रहा कि वो किस काम के योग्य है या कौन सा काम उसके योग्य है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि समंदर में मछली को छोड़ दिया गया है और वो बस हाथ पैर मार रही है जॉब लेने के लिए। जबकि जब तक आप टारगेटेड नहीं होंगे, बहुत स्पेशलाइज होकर के आप नहीं सोचेंगे अपने ऑप्शंस के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, तब तक जॉब नामुमकिन है आपको मिलना। और अगर जॉब मिल भी गई तो आप उसमें टिक नहीं पाओगे। लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, उनके ब्रेन की कैपेसिटी काम नहीं कर रही है, वो एक खास ढर्रे पर ही सोच रहे हैं जॉब लेने के लिए। इसी सिलसिले में जिक्र आ जाता है मनोज रे का। हाल ही में धनबाद में नगर निगम की तरफ से मनोज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया गया है जहां लोग बेरोजगारी से बाहर आने के दूसरे रास्ते देख सकते हैं। ये कितने ऑनर की बात है कि YouTube जो कि बिल्कुल ऑथराइज जॉब देने वाला नहीं है, YouTube में करियर को लेकर के लोग बहुत श्योर एंड सर्टेन नहीं है, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो ये बात तो काबिले तारीफ है और युवाओं को इससे मोटिवेशन लेने की भी ज़रूरत है। जब मुझे ये न्यूज़ मिला पेपर के माध्यम से, मैंने देखा कि नगर निगम ने मनोज रे को ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है, देन मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे एक एग्जाम्पल मिला कि मैं जो लोग आते हैं मेरे पास करियर को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, उनको मैं बता पाऊंगी, उनको मैं समझा पाऊंगी कि आपके पास और भी कितने ऑप्शंस हैं। आप जब मनोज के पहले के वीडियोस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति ने किस तरह से संघर्ष किया है, कितना उसने पेशेंस रखा है और कितने कम रिसोर्सेज के साथ में वो आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास एक फ़ोन है और उस फ़ोन का आप इस्तेमाल नहीं जान रहे हो। उन लोगों को तो मनोज जी को बिल्कुल देखना चाहिए, समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए कि आप एक मिनिमम रिसोर्स के साथ भी करियर बना सकते हो। लेकिन नहीं, आपको एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें आपको बस एक फिक्स काम मिल जाए, आपको दिमाग ना चलाना पड़े और आपको एक फिक्स सैलरी आ जाए। आज के समय में अनफॉर्चुनेटली ये मुमकिन नहीं है। जहां लाखों की भीड़ बेरोजगार है और 5% काम हो, वहां आप कहां ठहरते हो, पहले इसको चेक तो कर लो।
आप उस भीड़ में कूद गए हो कि मुझे भी जॉब चाहिए, आपको कभी नहीं मिलेगा। आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप परेशान होंगे, कई साल बर्बाद करोगे और लास्ट में आप जा करके कहीं धक्के खाते हुए बहुत छोटे से काम में एडजस्ट कर जाओगे एंड देन वहां से आपका मेंटल डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। आप सेटिस्फाई फील नहीं करोगे, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ में और परमानेंट लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, जो ना मरने वाली स्थिति होगी ना जीने वाली स्थिति होगी। तो थोड़ा सा समझिए अपनी परिस्थिति को। आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको जॉब चाहिए, पैसे चाहिए लेकिन अपना दिमाग नहीं खोलना है। अपने दिमाग के अंदर कूदो, देखो कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या थॉट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप लेकर के आ सकते हो। यूट्यूब आपको बहुत से एस्पेक्ट पे काम करने की आज़ादी देता है। आप बोल सकते हो बोलो, आप पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, आप चेहरा छुपाकर काम करना चाहते हो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। बिना साउंड के, बिना चेहरा दिखाए भी बहुत से आपको वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, आप उस पर काम कर सकते हो। मतलब हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसाक मुंडा के बारे में चर्चा की थी और पेपर में एक बड़ा सा ऐड था फ्रंट पेज पे। उस दिन मुझे इसाक मुंडा के बारे में पता चला, हालांकि मैंने उनका वीडियो से पहले भी देखा था बट मैंने नोटिस नहीं किया था। उस व्यक्ति ने जो एक सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर रहा है और सातवीं पास, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, सोचिए कि उसने अपने ब्रेन को कैसे यूज किया और आज वो इतना अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहा है यूट्यूब से। तो आप ये मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? आपको क्यों बैठे बिठाए एक नौकरी चाहिए? सिर्फ आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है, आपने ग्रेजुएट हो गए हैं, वो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो तो आपको जॉब मिल जाए, भूल जाओ, वो दिन गए। हालांकि वो दिन पहले ही चले जा चुके थे लेकिन अब तो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और आप अपना सर पटक रहे हो। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करें, लोगों को देखें, समझें आसपास में क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करें। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप दुनिया जीत सकते हो, इस बात को समझो। मेरा YouTube पे जो आप देखते होंगे ये सारे वीडियोस, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखता होगा। हालांकि पुराने वीडियोस पे ट्रैफिक है और मैं कंसिस्टेंट नहीं थी जिसके कारण ट्रैफिक लो है अभी, लेकिन इस ट्रैफिक से मेरा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। मेरे वीडियोस पे जो लोग आते हैं परेशान होते हैं, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इनडायरेक्ट वे में मेरे पास YouTube के माध्यम से क्लाइंट्स होते हैं। मैं कमाती YouTube के ही माध्यम से हूँ, डायरेक्ट इनकम ना होकर के इनडायरेक्ट हो रहा है। हालांकि वो इतना नॉमिनल है कि मैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम तो हो रही है। एक तरह से मेरे लिए ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पूरे भारत में अपना ऐड कराने का काम कर रहा है ना, जहां मुझे खर्च नहीं करना पड़ रहा, मुझे सिर्फ कुछ वीडियो शूट करने होते हैं, डालने होते हैं और मेरे पास क्लाइंट आ जाते हैं। तो YouTube पे आप बहुत अलग अलग तरीके से कमा सकते हो। आप सोचते हो कि अरे कहाँ से, कौन से लोग मेरे वीडियो देखेंगे, क्या होगा? शुरू तो करो, पहले आप देखो तो कि क्या चीज़ें आपको सूट करती हैं, नहीं करती हैं। पेशेंस रखो और काम करो। YouTube की चर्चा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने अगर जिक्र किया इसाक मुंडा का या मनोज डे का तो सिर्फ यही शख्सियत नहीं है, मैंने कई लोगों को पर्सनली देखा है इस पर बहुत अच्छा ग्रो होते हुए। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ लिमिटेशन नहीं है जॉब की, यहाँ पे आप काम करते हो और कमाते हो तो कोई आपको तय नहीं हो जाएगा कि आप यहाँ आकर रुक जाओगे या कोई आपका जॉब छीन लेगा। सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये एक क्रिएटर का फील्ड है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को, अपने किसी स्किल को रिप्रेजेंट करते हो। तो अपने अंदर सिर्फ एक स्किल को पकड़ो, कोई भी स्किल हो सकता है, उसको लेकर के आप रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। धीरे धीरे काम होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जॉब की तलाश बंद कर दो, एक परमानेंट जॉब लाइफ में होना चाहिए जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आपकी लाइफ में लेकर के आए, वो ढूंढो, बट साइड से इस चीज़ को भी करो क्योंकि सिक्योरिटी तो बाहर की भी जॉब में नहीं है ना। और रही बात कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाने की, तो वहाँ की भीड़ देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना भी आसान नहीं है और ये इतना भी जल्दी नहीं होने वाला, तो वो एक टाइम लेगा। तो क्यों ना हम एक बेस बनाते चलें और जब तक वहाँ पे कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो तो शायद यहाँ पे आप काम करते रहें और यहाँ पे आपके लिए एक होप बनता चला जाए। तो थोड़ा सा डायनेमिक होकर के सोचें, अपने स्किल्स को समझें, अपने स्ट्रेंथ को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए प्लेटफॉर्म खुद तैयार करें। उम्मीद न करें कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म, कोई फैक्ट्री, कोई एक व्यक्ति आकर के आपको कोई जॉब ऑफर करने वाला है। ऐसा अगर आप करते हो, ऐसा अगर आप सोचते हो तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो, अपने साथ मजाक कर रहे हो।
हम होता क्या ना कि हम डिमांड तो करते हैं बट उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए चीज़ें अवेलेबल है या नहीं हम इसके बारे में भी नहीं सोचते हैं, और हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं हम उसको डिजर्व करते हैं या नहीं हम ये भी नहीं सोचते हैं। सोचो कि आप मार्केट जाओ सब्जी खरीदने के लिए और कोई वहाँ पे खाली टोकरी लेकर के बैठा हो और वो ये कहे कि मेरे घर पे पूरा खेत है, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, आप मुझे पैसे दे दो। आप दोगे उसे पैसे? नहीं ना। आप सब्जी खरीदोगे तो आप पैसे दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे। तो मतलब जो सब्जी बेचने बैठा है उसके पास सब्जी होनी चाहिए, वो टोकरा लेकर के बैठ जाएगा तो नहीं होगा। तो ये टोकरा आपका सर्टिफिकेट है जो आप लेकर के घूम रहे हो और वो खाली है, उसको भरता है आपका स्किल। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जिससे आप उसको फिल करके आप उसको मार्केट में बेचते हो। खरीदने वाले मिल जाएंगे, आप उसकी कमी नहीं है। आपके पास बेचने के लिए है क्या? सर्टिफिकेट नहीं बिकता। वो जमाना चला गया कि आपको सर्टिफिकेट बेच करके जॉब हो जाएगा। अभी आपको अपना स्किल बेचना होता है। तो जिस तरह से मार्केट में हम कुछ खरीदने निकलते हैं तो उसके लिए हमें सामान चाहिए होता है, उसी तरह से जब आप जॉब लेने जा रहे हो, कोई काम ढूंढने जा रहे हो, पैसा कमाने जा रहे हो, तो स्किल क्या है ये तो आपने कभी सोचा नहीं, और सोचने की ज़रूरत भी आप नहीं समझते। क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, जो ये सोचता है कि बस मैंने पढ़ाई कर ली है, सर्टिफिकेट आ गया है और जॉब हो जाएगा। और एक्चुअली बचपन से हमें तैयारी ऐसे किया गया कि पढ़ लो नौकरी नहीं होगी, पढ़ लो नौकरी नहीं होगी। ये दो सेंटेंस जो है ना कि पढ़ लो नौकरी नहीं होगी, हमारे ब्रेन में डालता है कि पढ़ने से नौकरी हो जाती है। बिल्कुल नहीं होती। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैं बेरोजगार देख रही हूँ और अच्छे अच्छे अनपढ़ लोगों को मैं बहुत अच्छा कमाते देख रही हूँ। ये लाइफ एग्जांपल्स के तौर पे मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बनी बनाई बातें हैं। थोड़ा सा समझिए, अपने आप को थोड़ा डिग कीजिए, अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किसी के साथ बैठिए, बात करिए, हो सकता है कि कुछ आइडिया आपको आ जाए, लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, यही आपकी समस्या है और यही आपकी सबसे बड़ी बाधा है पैसे और आपके बीच की। आई होप कि ये कुछ एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाएं। आई होप कि आपको ये समझ में आए कि टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इस टाइम का कोई रिटर्न पैकेज आपको नहीं मिलने वाला। ये गया तो गया, और साथ में बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में ये दे देगा, खुद नहीं आएगा, बीमारियां दे करके जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को बिजी करने की तरफ आगे बढ़ाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें, नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, और इस YouTube को, इस प्लेटफॉर्म को जब आप यूज कर रहे हो तो ये देखो कि आप इंटरटेनमेंट ले रहे हो तो कोई देने वाला भी है, आप नॉलेज ले रहे हो तो उसको कोई दे भी रहा है। आप अपना फील्ड चेंज करने की तरफ दिमाग लगाइए। जब तक लेने का टाइम है लेते रहिए, जब आप ले चुके होते हो, भर चुके होते हो, तो देने की तरफ भी जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको अपना पाला बदलने की ज़रूरत है, अगर आप बेरोजगार महसूस कर रहे हो तो। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो देखते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, और चूंकि चैनल को प्रमोट आपका लाइक करता है तो लाइक कर दें। आती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।